तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉन वेज एंड वेज रेस्टोरेंट ओपनिंग ऑन 18 सितंबर एड्रेस नियर हॉक कैंटीन मकरोनिया रोड सागर। एमपी के सागर शहर के सनिचरी वार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और नर्स की लापरवाही से 2 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। दरअसल सनिचरी निवासी विकास रेखवार अपने 2 माह के मासूम बच्चे को लेकर सनिचरी आंगनवाड़ी केंद्र टीकाकरण कराने गया था। जैसे ही नर्स ने मासूम बच्चे को इंजेक्शन लगाया, मासूम तुरंत ही हरा नीला पड़ गया। परिजन मासूम को तुरंत ही अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इसकी शिकायत गोपालगंज थाने में की है। वाली मैडम को आप बचा रहे हो, पैसे आएगा सरा सर यार, तो वैसे हम 7-6 बजे तक परिवार हम लोग परेशान। ये तो इसको दफनाया नहीं अभी तक? नहीं दफनाया जब तक हम इंसाफ नहीं मिलेगा। भैया तुम रखे रखे रहो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम नहीं दफनाएंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सांद्रा भाई, जिसके बाद परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए बीएमसी भेजा गया। वहीं परिजनों को जब न्याय मिलता नजर नहीं आया तो परिजन मासूम के शव को लेकर सिविल लाइन चौराहे पर न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठ गए। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश दी और दोषियों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। श्रीकांत कहाँ रहते हो? सनीचरी। क्या हो गया? कल बच्चे के लिए टीका के लिए ले गए थे आंगनवाड़ी, तो टीका लग के आया बच्चा, वो पोलियो की दवाई पिला दी, वहाँ से आया फिर ना उसने दूध पिया और ना कोई हलचल की उसमें। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। कैसा न्याय चाहता? न्याय ऐसा कि जिसकी गलती है उसको दंड मिले। आंगनवाड़ी जिसने इंजेक्शन लगाया पूरा काला पड़ गया, हरी नजर पड़ गया था लड़का हमारा। कहाँ एडमिट किया था? एडमिट नहीं, वो तो आंगनवाड़ी में टीका लगा था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम नहीं मालूम? सविता मैडम। अब सवाल यही उठता है कि आखिर उस मासूम की क्या गलती थी जिसे इस लापरवाही का खामियाजा उठाना पड़ा? अब क्या प्रशासन इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और नर्सों पर कार्रवाई करेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सागर से जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।